राजधानी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, तब तक राजधानी से एक और ऐसी ही घटना सामने आ गई, जहां साहिल गहलोत नाम के शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की यादव की गला घोंटकर हत्या कर दी। निक्की मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी साहिल गहलोत अब सलाखों के पीछे है। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। निक्की यादव मर्डर केस में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 9 फरवरी की शाम को शादी को लेकर निक्की और साहिल गहलोत का कार में झगड़ा हुआ। बात इतनी बिगड़ गई कि गुस्साए साहिल ने निक्की का गला घोंट दिया और लाश को गांव के पास अपने ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। साहिल निक्की की लाश को ठिकाने लगा पाता, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को पता लगा और पुलिस ने लाश बरामद कर ली। इसके बाद साहिल भी पकड़ा गया। सबसे पहले तो ये कि ये ना कोई केस दर्ज था, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट थी, तो हमारे क्राइम ब्रांच के जिस सेक्शन ने काम किया काफ़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती, तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। एक बार बॉडी डिस्पोज करता तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो DNA मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको जो मेन साक्ष्य था, बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की इसकी निशानदेही पे, वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सजा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। उसके अलावा भी जो इन्वेस्टिगेशन की जो तमाम बारीकियाँ होती हैं उस पर हमारी टीम काम कर रही है, जैसे गाड़ी को रिकवर करना, उसकी फॉरेंसिक जांच कराना, फोन्स में जो भी डाटा है उसको रिकवर करेंगे और जो जहाँ जहाँ वो उसको घुमा के लेके गया मर्डर के दौरान, वहाँ की कोशिश कर रहे हैं अगर CCTV फुटेज वगैरह मिल जाए, हालांकि रात का समय है, तो वो सारे साक्ष्य हम जुटा रहे हैं। लेकिन जो बॉडी हमने टाइमली उसके डिस्पोज होने से पहले रिकवर कर ली, वो बहुत बड़ा काम हो गया है जो उसको फिक्स कर देगा और ट्रायल में हमारी काफी मदद करेगा। निक्की और साहिल की लव स्टोरी का दी एंड बेहद ही भयानक मोड़ पर हुआ। निक्की हरियाणा के झज्जर की रहने वाली थी, वहीं आरोपी साहिल नजफगढ़ के मित्रांव गांव से है। दोनों 2018 से साउथ दिल्ली के उत्तम नगर में लिव इन में रह रहे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले साहिल के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। 10 फरवरी को साहिल की शादी थी, ये बात 9 फरवरी को निक्की को पता लगी। इसी दिन दोनों ने गोवा जाने का प्लान बनाया था, लेकिन साहिल ने जाने से इनकार कर दिया। फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद शाम को साहिल ने निक्की को बुलाया और दोनों कार से घूमने निकल गए। दोनों ISBT कश्मीरी गेट के पास पहुंचे, यहां फिर से उनका झगड़ा हुआ और गुस्साए साहिल ने कार में ही मोबाइल केबल से निक्की का गला घोंट दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद साहिल निक्की की लाश को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा, फिर वो नजफगढ़ होते हुए अपने गांव मित्राव पहुंचा। साहिल ने लाश यहां अपने ढाबे के फ्रिज में छुपा दी और घर चला गया। इसके बाद घर वालों के कहने पर 10 फरवरी को दूसरी लड़की से शादी भी कर ली, लेकिन तभी पुलिस ने पहले लाश को बरामद किया, उसके बाद 14 फरवरी को साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी साहिल से पूछताछ कर रही है। इसी बीच निक्की यादव की 2 CCTV फुटेज सामने आई है। पहली फुटेज दोपहर 1:10 की है, जिसमें निक्की घर में सीढ़ियों के रास्ते ऊपर चढ़ रही है, जबकि दूसरी फुटेज रात 9:27 की है, जिसमें वो घर के मेन गेट के अंदर दाखिल हो रही है। इसी रात को निक्की का कत्ल कर दिया गया था। निक्की 1999 के ऑपरेशन विजय यानी कारगिल वॉर में शामिल रहे जवान प्रवीण यादव की भतीजी हैं। वहीं निक्की के पिता ने बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है।